हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर क्लब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कमला दास के द्वारा लिखी गई पोएम माय मदर एट 66 को। सीधा हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। अगर आपको इसकी सेंट्रल थीम, इसमें जो जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुई हैं या जो भी इसमें मेन आइडिया जो है इस पोएम का, जो भी इसमें मेन वोकैबुलरी यूज हुई है उसका पता करना है या उसके रिलेटेड वीडियो देखनी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको। उसमें मैंने 23 मिनट की वीडियो बना रखी है इसी पोएम के ऊपर, तो आप वो देख सकते हैं। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ इस पोएम की एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पोइटेस जो है वो अपनी मदर को देखती है, उसकी मदर जो है बूढ़ी हो गई है, उसी ओल्ड एज का इसमें वर्णन किया गया इस पोएम में। आइए हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। जो स्पीकर है वो कमला दास है, पोएटेस। पोएटेस जो है वही स्पीकर है इस पोएम की। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। अब वो बता रही हैं कि जो पिछले शुक्रवार की सुबह थी, तो उस सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से कोचिन जा रही थी और गाड़ी चला रही थी, मैं गाड़ी में जा रही थी। आई सॉ माय मदर, और मैंने अपनी माता को देखा, अपनी माँ को देखा बिसाइड मी, जो मेरे पास बैठी हुई थी, मेरी बगल में बैठी हुई थी। बिसाइड का मतलब होता है नज़दीक। दो वर्ड होते हैं, एक बिसाइड जो यहाँ यूज किया गया है बिसाइड, और एक होता है बिसाइड्स। बी साइड्स का मतलब होता है इसके अतिरिक्त, लेकिन बी साइड का मतलब होता है पास में ही, नज़दीक। तो बता रही है पोइटेस कि जो पिछले शुक्रवार की सुबह है, मैं अपने माता पिता के घर से कोचिन की ओर जा रही थी, कोचिन जा रही थी और गाड़ी में जा रही थी मैं। मैंने अपनी माँ को देखा जो मेरे नज़दीक, मेरे पास, मेरे बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। डज, डज का मतलब होता है ऊँघना, झपकी लेना। जैसे कि हम मतलब बिल्कुल पूरी तरह से सोते भी नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह से जाग रहे हुए भी नहीं होते हैं, वो बीच की जो अवस्था होती है जब हम कॉन्शस भी नहीं होते हैं और थोड़ा थोड़ा कॉन्शस होते भी हैं, उस बीच की अवस्था को डज कहते हैं, मतलब ऊँघना। जैसे कई बार हम गाड़ी में जाते जाते थोड़ी देर के लिए झपकी ले लेते हैं या थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, उसको डज कहते हैं। तो कवित्री कह रही हैं कि पिछले शुक्रवार की सुबह को मैं अपने माता पिता के घर से कोचिन जा रही थी, मैंने अपनी माँ को देखा मेरे बगल में बैठे हुए, डज, जो ऊँग रही थी, ओपन माउथ, और उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, और उसका फेस, उसका चेहरा जो था वो किसकी तरह दिखाई दे रहा था, वो पीला हो गया था। एसन का मतलब यहाँ हम पीला कह सकते हैं। फीका, लाइक दैट ऑफ ए कोप्स, एक डेड बॉडी की तरह पीला हो गया था। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, और फिर क्या महसूस करती हैं वो, एंड रियलाइज्ड विद पेन, फिर मैंने बिल्कुल पेन के साथ क्या महसूस किया, दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वो उतनी ही बूढ़ी हैं जितनी वो दिखाई दे रही हैं। क्या महसूस करती है पोइटेस कि मेरी मदर जो है वो ज़्यादा बूढ़ी हो गई है। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही उसने इस विचार को त्याग दिया, जल्द ही उसने इस विचार को एक तरफ कर दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर की तरफ देखा, लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और बाहर की तरफ देखा, क्या देखा, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है दौड़ना, तेज दौड़ना। जैसे हम कई बार कहते हैं ना स्प्रिंट लगाओ, रेस करते वक्त हम कहते हैं स्प्रिंट लगाओ, मतलब थोड़े गैप में बिल्कुल तेज भागो। यंग लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और मैंने बाहर छोटे वृक्षों की तरफ देखा जो भाग रहे थे। जैसे हम गाड़ी में चलते हैं तो हमें वृक्ष जो हैं, हमें पेड़ पौधे जो हैं वो भागते हुए दिखाई देते हैं। तो ये यही कह रही हैं कि मैंने शीघ्र ही इस विचार को त्यागा। किस विचार को, कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है,
इस विचार को मैंने जल्द ही छोड़ दिया और मैं बाहर देखने लगी किस चीज़ की तरफ, छोटे वृक्षों की तरफ जो भागते हुए दिखाई दे रहे थे। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो पोएट हैं वो क्या करना चाहती है, वो आपको एक आपके दिमाग में एक इमेज सेट करना चाहती है। बाहर की दुनिया जो है वो यंग ट्रीज के थ्रू क्या सिंबलाइज करना चाहती हैं, वो सिंबलाइज करना चाहती हैं कि जो कार के अंदर जो लोग हैं, उसकी माँ और बेटे, उनकी लाइफ जो है इस टाइम पे रुक सी गई है, क्योंकि वो देख रही है अपनी माँ को बूढ़ा होते हुए, और बाहर की दुनिया जो है वो भाग रही है, लाइवली है वो, तो इस वजह से वो यहाँ यंग ट्रीज का डिस्क्रिप्शन दे रही है, लुक डाउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि मैंने बाहर की तरफ देखा छोटे वृक्ष भाग रहे थे, द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, और छोटे बच्चों को देखा जो खुश थे, और अब स्पीलिंग, स्पीलिंग का मतलब होता है घर से बाहर निकलना या भागना, आउट ऑफ हर होम्स, आउट ऑफ देयर होम्स, द मैरी चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और उसने क्या देखा कि छोटे बच्चे बिल्कुल खुश अपने घरों से निकल रहे थे। अब देखो फिर जो पोएट है वो उदास है, अब वो उसकी माँ को बूढ़ा होते हुए देख रही है, और वो उसको ये लग रहा है कि शीघ्र ही तेरी माँ जो है वो मर जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि उसका चेहरा पीला हो गया है और वो काफ़ी ओल्ड दिखाई दे रही है। तो वो बाहर की तरफ देखने लगती है, क्या देखती है कि पेड़ पौधे जो हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल खुशी खुशी अपने घरों से निकल रहे हैं। अब यहाँ छोटे बच्चों का जिक्र क्यों किया गया है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लाइफ में कोई भी चिंता नहीं होती, कोई भी टेंशन नहीं होती, बिल्कुल केयर फ्री लाइफ जीते हैं वो, टेंशन फ्री लाइफ जीते हैं वो। तो उसने देखा छोटे बच्चों को अपने घरों से निकलते हुए और वो बिल्कुल खुश थे, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पे हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी चेक होने पे के बाद, सुरक्षा जांच होने के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, मैं अपनी माँ से कुछ दूरी पर खड़ी थी, कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी थी, आई लुक्ड अगेन एट हर, और मैंने फिर दोबारा से उसकी तरफ देखा, किसकी तरफ, उनकी माँ की तरफ। वैन, वैन का मतलब होता है सिकली, पेल, यहाँ भी पीला ही यूज़ होगा, वैन का मतलब होता है पीला, मतलब जैसे किसी रोगी का चेहरा आप देखते हो कई बार पीला हो जाता है ना, उस तरह से वैन, वैन पेल, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा, वैन पेल एज ए लेट विंटर्स मून, और उसका चेहरा किस की तरह दिखाई दे रहा था, सर्दियों के चांद की तरह पीला दिखाई दे रहा था, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और मैंने क्या महसूस किया, वही पुराना जाना पहचाना दर्द, माई चाइल्ड हुड फियर, मेरे बचपन का जो डर था वो महसूस किया मैंने, कौन सा था वो जाना पहचाना दर्द, उसके बचपन का डर था, जैसे कई बार हर बच्चे को अपने बचपन में अपने पेरेंट्स के खो देने का डर रहता है, वैसा ही पोइटेस को भी डर था उसके बचपन में अपने पेरेंट्स को खो देने का, अपनी माँ को खो देने का। तो वो कह रही हैं कि मैंने अपनी माँ का जब पेल फेस देखा तो ये महसूस किया, ये फैमिलियर दर्द जो था, जाना पहचाना दर्द जो था, ये महसूस किया, बचपन के डर को महसूस किया, बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन सिर्फ मैंने यही कहा, सी यू सून अम्मा, कि अम्मा मैं तुमसे जल्द ही मिलूंगी, एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो एकमात्र चीज़ जो मैंने फिर की वो थी कि मैं मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। तो फ्रेंड्स, ये पोएम थी माई मदर एट 66, रिटन बाई कमला दास। अगर पोएम अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट ज़रूर करें फ्रेंड्स, कोई भी कमी है वीडियो में वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो के, इस लेसन के, मतलब ये जो पोएम है माई मदर एट 66, इसकी पूरी जानकारी लेनी है, मतलब कमला दास का इंट्रोडक्शन भी, फिर इसके सेंट्रल थीम क्या है, इसकी समरी क्या है,
कौन कौन सी पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है और इसमें कौन कौन सी मेन वोकैबलरी यूज़ हुई है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस वीडियो पर जाएं और 23 मिनट की वीडियो है वो जो मैंने अपलोड कर रखी है वो देखें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।